Hello everyone. In today's class, I shall discuss with you MCQ of audit paper. You are very well aware of the fact that your paper will comprise of 100 marks, out of which 30 marks will be for MCQ. And this, how this 30 marks will be allocated? 1 marks question for 30 MCQ questions. Okay. MCQ question will have 4 alternative options, चार चार answers दिए होंगे जिनमें से आपको किसी एक answer को correct opt करना है. जब हम MCQ question को पढ़ते हैं और हम पहला option पे जाते हैं तो at times we feel कि ये पहला option ही correct है. लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पहला option correct लग भी रहा है तो पहले option को अभी correct answer मत मान लीजिए. अभी बाकी के जितने ऑप्शंस है ना, उन्हें भी पढ़ लीजिए. जब तक आप चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक करेक्ट आंसर मत डिक्लेयर कीजिए. आपको क्या लगता है, जब एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, चार चार उसके आंसर्स होते हैं, तो कोई एक करेक्ट आंसर होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग लगभग चारों आंसर ही करेक्ट आंसर है, लेकिन एक आंसर जो उसमें से है वो बेस्ट आंसर है. तो मुझे वो बेस्ट आंसर ऑप्ट करना होता है. आप कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, ए ऑप्शन करेक्ट देखते ही ए को आंसर मान लिया, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी देखने वाली बात थी जहां पर लिखा हुआ था ए एंड बी बोथ, और जबकि मेरा आंसर क्या था, सी, ए एंड बी बोथ. तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब हम सारे ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, राइट? ऐसा भी कभी कभी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि चार आंसर्स दिख रहे हैं और लगभग लगभग चारों ही कुछ हद तक गलत समझ में आ रहे हैं. स्टिल यू विल हैव टू फाइंड वन आंसर एज द करेक्ट आंसर एंड दैट आंसर इज द बेस्ट आंसर. मतलब आप ये समझ लीजिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में एक करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं देखना कौन सा चारों में से बेस्ट आंसर है, ये देखना है, ठीक है? आई हैव प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब को कवर किए हैं, और इनफैक्ट बीच बीच में हेडिंग भी दे दी है जिससे आपको समझ में आ जाए किस टॉपिक से रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं. एंड आई फील कि अगर हम ये 300 एमसीक्यू कर लेते हैं तो लगभग हर वेराइटी ऑफ एमसीक्यू जो ऑडिट से रिलेटेड होती है, ऑडिट सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, वो हम कवर करते हैं, राइट? क्लास में हम आपके साथ सारे एमसीक्यूज को एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, इट विल डेफिनेटली टेक लॉट ऑफ टाइम, जिसका कोई यूज भी नहीं है. हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, आंसर्स को किस तरीके से देखा जाता है, ये बात हम समझ जाएं, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चंस जैसे ही खत्म होते हैं सारे, लास्ट पेज पे आपको दिखाई देगा कि आंसर की भी दी हुई है, तो यू आर अवेयर कि करेक्ट आंसर क्या है. लेकिन जिन क्वेश्चंस को हम क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है? पैरेलली मेरे साथ साथ आंसर्स को अंडरस्टैंड करें, ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करें, और कौन सा करेक्ट आंसर है ये बताने की कोशिश भी करें, ठीक है? तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ए कहता है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. जब बताइए क्या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऑडिट का एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ठीक है? देखिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने की ऑडिटर की नहीं होती, एरर के लिए जरूर होती है, लेकिन फ्रॉड की कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक जरूर होती है. क्या होता है कि फ्रॉड पेनिट्रेटेड आइटम होता है, प्री प्लान्ड आइटम होता है, ठीक है? निश्चित है लोगों ने मिलकर कुछ प्लान किया है गड़बड़ करने की, तो ऑडिटर उसको ऑडिट के जरिए खोज पाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑडिट जब एक ऑडिटर करता है तो उसका पर्पस इन्वेस्टिगेशन नहीं होता. हम किसी भी चीज को खोद के जड़ तक जाने का प्रयास नहीं करते, हम सीआईडी नहीं है,
हम चीजों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, और अगर कहीं डाउट अराइज होता है तो हम क्या करते हैं, फिर डीपली चेक करते हैं। तो इसलिए फ्रॉड की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन अगर मुझे हिंट मिलता है, ऐसा लगता है ऑडिट करने के दौरान कि यहां कहीं फ्रॉड है, तो आई मस्ट एक्सटेंड माई ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेयर द फ्रॉड इज। ठीक है, तो ठीक है, कुछ हद तक ये पॉइंट नंबर बी भी ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ हद तक ठीक नहीं भी है। बोथ ए एंड बी और डी कहता है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। पता है ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑडिट जो दी गई है उस पर डिपेंड करता है, आपको क्या कहा गया है ऑडिट में। ठीक है, अलग अलग तरीके की ऑडिट होती है। आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनको ऑडिट कराने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पता है ऑडिट कराती हैं। क्यों? वो ऑडिट इसलिए करा रहे हैं ताकि वो कुछ जिन चीजों को जानना चाहते हैं वो जान पाए। जैसे अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं है, वो इनकम टैक्स के ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, तो उसे ऑडिट कराने की किसी और लॉ के तहत आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस ऑडिट फर्म में, उस पार्टनरशिप फर्म में तीन तीन पार्टनर्स हैं, जिसमें से एक पार्टनर हमेशा विदेश में रहता है, वो पार्टनरशिप फर्म के रेगुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, उसने कैपिटल लगा रखी है, उसे हमेशा इस बात की टेंशन होती है कहीं बाकी दो पार्टनर जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उस पार्टनर ने जो विदेश में रहता है, उस पार्टनर ने कहा कि हम लोग अपने फर्म की ऑडिट कराएंगे ताकि यह पता चल जाए कि सारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं। तो यहां पे बताइए ऑडिट का पर्पस क्या था? ऑडिट का पर्पस यही था कि कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है, कोई एरर तो नहीं है अकाउंट्स में, यही ऑब्जेक्टिव था। हाँ, किसी स्टैट्यूटरी लॉ के तहत अगर ऑडिट होती है तो वो स्टैट्यूटरी लॉ क्या रिक्वायर करता है कि ऑडिटर रिपोर्ट बना के दे, वो अपना ओपिनियन फॉर्म करे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड वेराइटी ऑफ ऑडिट कि ऑडिटर को क्या करने को कहा गया है। ठीक है, द बेस्ट आंसर आउट ऑफ दीज फोर इज डी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। पता है, देखा आपने क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होगा। जब हम आंसर्स देख रहे थे तो ए भी मुझे क्या लग रहा था, करेक्ट लग रहा था, कुछ कुछ बी भी लग रहा था, और जब ए और बी दोनों ही कुछ कुछ हद तक लग रहे थे तो सी तो अल्टीमेटली सही हो गया था, बिकॉज वहां पे बोलता है बोथ ए एंड बी। बट व्हेन आई फाउंड आंसर डी, आई फाउंड दैट दिस वॉज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द फोर आंसर्स ए बी सी डी। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट वर्क दैट हैज बीन गिवन टू मी। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब जो फॉल्स है वो हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर की तरह बताना है। ए, द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को ओपिनियन देना चाहिए, ये तो बात सही है, ये तो ट्रू है, हमें क्या बताना है नॉट ट्रू कौन सा है। बी, His opinion is no guarantee to future viability of business. कहता है कि जो opinion auditor देता है इससे कोई future viability business का नहीं पता चलता। ठीक है, जब भी हम opinion देते हैं financial statement पे तो वो financial statement कौन सा होता है, past period का। हम future की guarantee नहीं लेते, हम जब कहते हैं कि किसी का account सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ी बहुत अच्छी कंपनी है, ये बरसों चलेगी, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस साल की मैंने audit की है वो account सही है। हम future viability के बारे में नहीं बताते हैं ये आगे सही रहेगी कि नहीं, ऐसी कमिटमेंट हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो कहता है इस ओपिनियन इज नो गारंटी टू फ्यूचर वाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, ऑडिटर का जो ओपिनियन है कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर वाइबिलिटी के लिए। ठीक है, ट्रू है ये भी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जिम्मेदार होता है डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉड एंड एरर, एरर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, लेकिन फ्रॉड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए ऐसा नहीं है। फ्रॉड के रिस्पेक्ट में बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर फ्रॉड दिख जाए
अगर फ्रॉड की महक भी लग जाए तो हम फ्रॉड को खुरेद के निकाल देंगे, लेकिन फ्रॉड को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना यह हमारी जिम्मेदारी एज एन ऑडिटर नहीं होती है। क्लियर है बात? तो ये वाली बात गलत है, लेकिन अभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको टिक लगा देंगे कि ये आंसर सही है। अभी हम चौथा भी पढ़ेंगे, डी। ही शुड एग्जामिन वेदर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड। ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है ये देखना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं कि नहीं। यस, ये जिम्मेदारी होती है। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल नीड टू बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो सी फॉल्स था, उसे टिक लगा दिया।